नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन के एडेसिक्स में और रुख करते हैं झारखंड की तरफ। जी हां दोस्तों, झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। अब यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या झारखंड के अलावे और अदर जो स्टेट के कैंडिडेट हैं वो क्या यहाँ आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आखिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए और कब से कब तक, यानी कि कब तक, तो मैं बता देता हूँ आपको, थंबनेल पे ही दिया हुआ है कि 15 नवंबर तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कब से, तो आज से शुरू हो चुका है इसके लिए आवेदन करना। तो जल्दी जाएं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और पहले आप नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लें, इस नोटिफिकेशन वीडियो को देख लें, ताकि सारी जानकारी होने के बाद ही आप इसके फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। चलिए लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस न्यू अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था दोस्तों बिहार शिक्षक नियोजन की प्रक्रियाओं को लेकर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, उस गड़बड़ियों को लेकर सुधार किया जा रहा है। ऑब्जेक्शन डेट दिए गए हैं, उस दिन से पहले आप आपत्ति दावा कर लीजिएगा, 14 नवंबर है वो दिनांक। दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा बिहार होमगार्ड की रिक्रूटमेंट जारी की गई है, उसके बारे में मैंने आपको कल बताया है, और बिहार कुछ अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है पंचायती राज डिपार्टमेंट को लेकर, इसके बारे में ये वीडियो भी बनाया है। तो हर एक वीडियो जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव होता है, हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों चलते हैं अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इनके बारे में सारी चर्चा की गई है। दोस्तों हम लेकर आ गए हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट यहां से जाके इनके बारे में सारी डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों जैसे ही इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए ये वैकेंसी निकाली गई है, किस राज्य के लिए, तो झारखंड के लिए, नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड। जी हाँ, आप देख सकते हैं, और यहाँ नीचे जैसे ही आएंगे दोस्तों इस नोटिस बोर्ड पे आपको एक लिंक दिखेगा, NHM रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द वेरियस पोस्ट, आप इसको क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे जाके सीधे इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और डाउनलोड करने के बाद इसके बारे में सारी डिटेल आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी इन सभी नोटिफिकेशन के बारे में अपने दोस्तों को शेयर किया करें, ताकि किसी भी राज्य से हैं वो, यहाँ उनको फ़ायदा मिल सके इस नौकरी का। चलिए लेकर चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, देन इसके बाद आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ से आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ही निःशुल्क है, और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, आप देख सकते हैं झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है, और 129 पदों की ये वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये वैकेंसी आपकी संविदा के आधार पे है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल है ये वैकेंसी, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या नॉन टेक्निकल हेल्थ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो वेरियस पोस्ट हैं जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे है पहले दोस्तों ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के बारे में, जहाँ पे 71 सीट हैं, और ये कैटेगरी वाइज सीट बताई गई है, आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। दोस्तों इसकी सैलरी जो कि पर मंथ निर्धारित की गई है वो है 20,085 रुपये, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक पोस्ट है दोस्तों ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की, वो है 36 पदों की, और यहाँ पे इसकी भी सैलरी वही रखी गई है, यहाँ पे करीब आपको SC और ST के लिए ये वैकेंसी रखी गई है सिर्फ, जिसके लिए दो ही कैटेगरी के कैंडिडेट इसको आवेदन कर सकते हैं। तीसरा पोस्ट है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी कंसल्टेंट की, जो कि आपको 11 पदों की वैकेंसी है, और इसके लिए आपको 31,500 की सैलरी पर मंथ मिल सकती है। इसके लिए जनरल SC ST OBC कैंडिडेट जो हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। चौथा पोस्ट है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर की, जो कि 1 पदों की वैकेंसी है, और इसके लिए वैकेंसी है दोस्तों 41,698 रुपये की सैलरी मिलेगी इस वैकेंसी के लिए। पाँचवा है दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट के लिए 25,000 रुपये की सैलरी है, दो पोस्ट है सिर्फ यहाँ पे SC ST और OBC के लिए। दोस्तों कंसल्टेंट ट्रेनिंग,
आपको बता दें कि यहाँ पे एक है 31,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, एक पोस्ट है मिडवेरी सिस्टर ट्यूटर की, यहाँ भी इसको 80,000 सैलरी दी जा रही, और ये मात्र 6 पोस्ट है। स्टेट कोल्ड चेन ऑफिसर, इसके लिए एक पोस्ट है और उसकी सैलरी लगभग 80,000 रुपये तक की हो सकती है। तो दोस्तों सैलरी तो बहुत अच्छी दिख रही है, वैकेंसी भी बहुत अच्छी दिख रही है, करीब 129 पदों को ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और पोस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन अब इसके लिए क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इसके लिए तो आपको नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कॉलम को देखना होगा। दोस्तों जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 नवंबर को आपको आखिरी डेट दिया गया है, और 24 अक्टूबर यानी कि आज की डेट से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिए, सैलरी बता दी, वेरियस पोस्ट बता दिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ जो सीट हैं, कितने वैकेंसी हैं, वो आपको कैटेगरी वाइज दिया गया है वो बता दिया। अब यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी फिर से और सैलरी फिर से यहाँ पे बताई गई है। तो आप देखिएगा यहाँ पे पहला जो पोस्ट है ब्लॉक मैनेजर का, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद द स्पेशलाइजेशन रूरल डेवलपमेंट एचआर रूरल मैनेजमेंट, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस और साथ में होना चाहिए, और प्रोफेंसी इन कंप्यूटर नेसेसरी है यहाँ पे, यानी कि एमएस ऑफिस पे आपको काम करना आना चाहिए। दूसरा है ब्लॉक अकाउंट मैनेजर का, तो यहाँ पे सीए और इंटर आईसीडब्ल्यूए और बीकॉम वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं बीकॉम से तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क फॉर द एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। यहाँ पे दोस्तों सैलरी मैंने बता दी है, 20,085 रुपये की सैलरी है इनकी। तीसरा पोस्ट है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी कंसल्टेंट की, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस मांगा जा रहा है, ग्रेजुएट विद द 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस विद द पब्लिक हेल्थ प्रोग्रामर। जी हाँ, अगर आपने यहाँ पे 3 साल का वर्क एक्स लिया है या फिर आपने BAMS किया है या BHMS किया है तो यहाँ पे आप 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर, यहाँ पे इंटर चाहिए सीए में, इंटर आईसीडब्ल्यूए में, या फिर मास्टर इन कॉमर्स में आपने किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। आपके पास टैली का नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर अकाउंटिंग में, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। तो आपको इस रिलेवेंट फील्ड से रिलेटेड अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो ही आप आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों अगला पोस्ट है हमारा साइकोलॉजिस्ट का, तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है इन चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है आपका इस बेस पे, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सैलरी मैंने बता दी है, 25,000 की सैलरी है, और कंसल्टेंट ट्रेनिंग IDSP, इसके लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन की चाहिए इन पब्लिक हेल्थ इन एपिडेमियोलॉजी विद द 5 ईयर एक्सपीरियंस, और यहाँ पे 31,000 की सैलरी है। 7th पोस्ट है दोस्तों आपका मिडवेफी, जो कि सेशंस क्वालिफिकेशन MSc इन नर्सिंग मांगा जा रहा है, और 2 साल का वर्क एक्स होना चाहिए आपके रेलिवेंट फील्ड से। चलिए, और गुड कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ पे एक चीज लिख दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा 80,000 की सैलरी है इसकी। स्टेट कोल्ड चेन ऑफिसर, तो यहाँ पे BBTEC अगर कैंडिडेट हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो वो आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही साथ 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्स चाहिए उनको कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम में, और गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो वेरियस पोस्ट हैं इन सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन देखा जाए तो यहाँ पे ग्रेजुएशन BBTEC ग्रेजुएशन या फिर मास्टर इन MSc MCA, ठीक है, तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उनके साथ साथ वर्क एक्स भी यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको एज लिमिट बताई गई है 35 साल और मैक्सिमम एज है SC ST के लिए 45 साल, ठीक है, तो यहाँ पे 40 साल है, माफ़ कीजिएगा, और जो PH कोटे में है उनको 45 साल है। तो इस तरह से जो लोग यहाँ पे बिलोंग करते हैं, इस सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जो कि इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल मैंने अब आपको क्लियर कर दी है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, और आवेदन कैसे करना है तो ये देखिए दोस्तों, आपके इस लेफ्ट साइड एरिया में यहाँ पे करियर वाला एक लिंक दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक जैसे कीजिएगा आप इसके करियर पेज पे आ जाइएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंट ओपनिंग, तो अभी इसका लिंक यहाँ पे एक्टिवेट नहीं किया गया है,
चूंकि यहाँ पे जैसे ही एक्टिवेट किया जाएगा यहाँ पे आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करते ही आप उसके ऑफिशियली जिस वेबसाइट से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएगा वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे सभी का दिया हुआ है लिंक, यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके ये लोग आवेदन कर सकते थे। ये पहले की वैकेंसीज हैं, पर करेंट ओपनिंग में अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, ठीक है, उसका यहाँ पे लिंक नहीं दिया गया है। तो जैसे ही इसका आज ही से शुरू होने वाला था तो अभी इसका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, हो सकता है कि शाम को, तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस खबर को मैंने आप तक पहुंचाया है, आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में एटलीस्ट इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो न्यू अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में जान सकें और अगर आप एलिजिबल हैं तो वो आवेदन भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए, इतना ही था हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।